हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन की कुछ खास टिप्स, जिनसे आप अपना काम बहुत आसान बनाएंगे, और कुछ हैक्स जो आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए चलते हैं पहली टिप्स की तरफ। हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, जो भी आपके पास डिशवॉश हो वो डाल दें आप, विम जेल का। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और अब आप इसका रिएक्शन देखेंगे। अब हम इसको एक स्पून की मदद से आपको इसको मिक्स करके दिखाएंगे। इसका रिएक्शन देखिएगा आप कितने अच्छे हैं। ये देखिए, जैसे खारे पानी के दाग वगैरह पड़ जाते हैं कहीं पर भी, तो आप इसको लगा के उसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सल्यूशन है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। आपको मैं सिंक दिखाती हूँ, मेरी सिंक कितनी गंदी हो रही है, कितना भी साफ़ कर लूँ पर साफ़ नहीं हो पा रही थी, शाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये इतनी, अब देखिए आपको इस तरह से स्पून की मदद से डालना है, और आप जिससे भी बर्तन धोते हैं स्क्रब की मदद से उसको 2 से 3 मिनट इसको रगड़ दें, और आप देखेंगे कि आपकी सिंक इतनी चमक जाएगी कि जैसे अभी नई लगवाई हो। ये बहुत ही यूज़फुल था मेरे लिए, आप भी इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। आप इससे टैप वगैरह भी अपनी साफ़ कर सकते हैं, और जहाँ भी खारे पानी के दाग वगैरह आ गए हों, जो दाग छूट ना रहे हों, ज़िद्दी दाग हो गए हों, उनको आप आराम से छुटा सकते हैं। ये बहुत बहुत यूज़फुल तरीका है। ये देखिए बिल्कुल, अब आप पानी डाल दें और बस इसको आपको लगा के छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतना अच्छा रिजल्ट देगी आपको, बस हाथों हाथ आप इसको साफ़ कर दें और इतनी ज़बरदस्त क्लीन हो जाएगी। अब आप देखिएगा, ये देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग हो गई है सिंक में, बहुत ही ज़बरदस्त है ना, ज़बरदस्त आइडिया। आपको आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप्स नहीं है, ये मैं बस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसको स्टिलो ब्राइट के इस तरह से स्पंज वाइप्स आते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल हैं, इतने अच्छे हैं कि इनमें जैसे हम कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं, किचन टावल ले आते हैं, उनमें एक टाइम के बाद थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, पर इनमें आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। 100 रुपीज़ में ये आ जाता है, और इसमें तीन निकलते हैं, ये आपके बहुत टाइम तक चल जाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। इस तरह से आप ले आ सकते, इस तरह तो सॉफ्ट है, जब पर आप इससे साफ़ करेंगे तो ये एकदम से कड़क हो जाएगा, पर जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे तो ये फिर सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। बहुत ही यूज़फुल तरीका, ना महंगे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा साफ़ हो जाता है। ये देखिए, आप इससे अपना किचन काउंटर भी साफ़ कर सकते हैं, और टाइल वगैरह, गैस वगैरह, इतने अच्छे क्लीन करता है ये, मैं आपको क्या बताऊँ। आप जब इस्तेमाल करेंगे आपको ख़ुद पता लगेगा, और स्मेल फ्री है, सबसे पहले तो बात तो स्मेल फ्री है, ना धोने का झंझट है ना कुछ। जब भी आप इसको पानी से वॉश करेंगे ये एकदम साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, कोई भी इसमें झंझट वगैरह नहीं है। चलिए अब चलते हैं तीसरी टिप्स की तरफ। ये टिप्स है बहुत टिप्स है मेरी खीरे को लेके। खीरा तो सभी खाते हैं गर्मी में, और खाना भी चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बस आप इसको, मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगी जिससे आपका जब कोई मेहमान वगैरह आए आप उस टिप्स को अपनाएं, और आपके खीरे इतने खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए, इस तरह से बस आप एक फोक ले लें और इस तरह से इसे इसमें खीरे में तरह से कर दें। ये देखिए, अब आपका खीरा कट जाएगा और इतना अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा कि आप किसी भी चीज़ से इसे बना भी नहीं सकते थे, और इतना अच्छा लगेगा जब आप इसको मेहमानों के सामने सर्व करेंगे या ख़ुद भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी, और ऐसी ही टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो बआसानी मिल जाए। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया है मेरे खीरों का, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जब भी आप सलाद बनाएं इस तरह से आप सलाद बना लें। चलिए अब चलते हैं चौथी टिप्स की तरफ। ये एक हैक्स है, ये देखिए, इस तरह से हम वाइप्स ले आते हैं बेबी के तो के लिए, बहुत ही, ये अपने लिए भी ले आते हैं, तो इस तरह से ये जब हमारा खाली हो जाता है तो ये हमारा ख़राब हो जा इस्तेमाल में नहीं आता। आप इसको इस तरह से ऊपर से छुटा लें,
ये देखिए, आप इसको इस तरह से बोर्ड में लगा दें, ये आराम से चिपक जाएगा क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ लगा हुआ है। ये आराम से कुछ भी आपको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल भी उंगली वगैरह बिल्कुल बच्चे लगाएंगे भी नहीं, है ना, यूज़फुल तरीका। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक ले, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स। गर्मियाँ आ चुकी हैं, बच्चों के लंच बॉक्स बॉटल वगैरह हमें सब कुछ बंद करके रखना होता है, तो उसके लिए खास टिप्स है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब इस तरह से हम बंद करके रख देते हैं महीने डेढ़ महीने के लिए, तब तक छुट्टी रहती है तो वो यूज़ में नहीं आते और उनमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो आप उसमें थोड़ा सा अखबार के टुकड़े रख दें अपने लंच बॉक्स वगैरह में, जो भी आपके बच्चों के हों, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसको रख दें। बिल्कुल जब भी आप खोलेंगे इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ये ऐसे ही आपको बिना स्मेल के ही मिलेंगे, है ना, कमाल की टिप्स। आप इस टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि बच्चे तो हर किसी के स्कूल जाते हैं और लंच बॉक्स फ्री हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते जब हमारी बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। बस आप इस तरह से रख दें, ये बहुत काम की टिप्स है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो पानी की बोतलें होती हैं उनको अच्छे से सुखा दें पहले, फिर उनमें थोड़ा सा न्यूज़पेपर इस तरह से रोल रोल बना के रख दें, आप देखेंगे बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। और बोतल तो आप कोई सी भी हो, चाय की केटल वगैरह हो या रोज़मर्रा की बोतल या लंच बच्चों की बोतल स्कूल की, आप उनमें न्यूज़पेपर डाल के रखें, कभी भी उनमें स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको ज़रूर इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। बस इस तरह से आपको रख देनी है अब आपकी बोतल। कांच की बोतल हो या अंदर से स्टील की हो, आप उसमें किसी कोई सी भी आपके पास बोतल हो, आप उसमें इस तरह से न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े रख दें, है ना, कमाल की टिप्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये देखिए, ये हमारी गर्म बोतल है, इसमें भी मैंने इस तरह से न्यूज़पेपर ही भर के रखे हुए हैं ताकि इसमें भी स्मेल ना आए। जब भी उसके यूज़ होगी, हॉट वाटर है ये, जब भी यूज़ होगी इसको, इसमें कभी भी स्मेल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट टिप्स की तरफ, ये भी हमारी टिप्स बोतल को लेकर ही है क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी की टिप्स है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी ये। इस तरह से आप जब भी बाहर ट्रेवल के लिए जाएँ तो इस तरह से एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर अपने साथ लेकर जाते हैं और लेके भी जानी चाहिए। तो इस बोतल को आप ज़्यादा देर तक इसमें ठंडा पानी रहे, मैं उसके लिए आपको एक टिप्स दूंगी, आप उस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप बोतल के साइज़ का फॉइल पेपर ले लें इस तरह से, सबके घरों में ही फॉइल पेपर होते हैं ज़्यादातर, आप फॉइल पेपर ले लें, जितना आपकी बोतल हो आप उस हिसाब से फॉइल पेपर लें और उस पे बोतल को रख लें और बहुत ही अच्छे से आपको इसको कवर करना है चारों तरफ से, जहाँ से भी सिर्फ ढक्कन खुला रहने दें आप इसको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से, और फिर इसको इस तरह से दबा दें हाथों की मदद से। ये आपका पानी इतना ठंडा रहेगा, खूब आराम से आपका पानी चल जाएगा और बहुत ही देर तक पानी रहेगा ठंडा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब आप एक कोई भी खाली मोज़ा हो या मुलप वगैरह हो, आप उसमें इस पानी को, इस मोज़े को इस तरह से डाल दें, और इस मोज़े आपके पास कोई भी सॉक्स पड़ा हो, इस तरह से नया पुराना उसको अच्छे से धो के वॉश करके आप इस तरह से बोतल के ऊपर रख कर लें। ये देखिए, इसका बोतल का कवर बन चुका है और इसको थोड़ा सा आप इस तरह से ले जाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपका पानी बिल्कुल ठंडा नहीं, गर्म नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इस बोतल से। हल्का सा इसको इस तरह से मैंने गीला कर दिया है पानी की मदद से, है ना, कमाल की टिप। चलते हैं तीसरी टिप्स की तरफ। अक्सर चीनियाँ हमारे डब्बों में दिनों में हमारी चीनी में चीटियाँ वगैरह लग जाती हैं, तो आपको मैं एक उसका यूज़ दिखाऊंगी। आप ऐसे छोटा सा एक ढक्कन ले लें, उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालें और थोड़ा सा विनेगर ऐड करें, बिल्कुल थोड़ा सा, और एक कॉटन की मदद से आप
जो भी आपके चीनी के का डब्बा वगैरह है जिसमें आप चीनी रखते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, आप उसको इस तरह से चीनी को लगा दें कॉटन की मदद से, तो आपकी बिल्कुल भी देखेंगे आप चींटी नहीं आएंगी। इसके बाहर बाहर भी लगा दें और इसके ढक्कन वगैरह पे भी लगा दें। इस तरह से बस आपको ये काम कर लेना है, आपका ये बिल्कुल आसान बन जाएगा कि आपके बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं लगेंगी, आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं लगेगी। इस तरह से बाहर लगा दें और ये देखिए बस, क्योंकि विनेगर की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है उससे चींटियाँ वगैरह भाग जाती हैं। ये आपके बड़े उसमें हो तो बड़े में, बड़े डब्बे में भी लगा दें, छोटे में हो तो छोटे में भी लगा दें कि बोतल में, खासकर क्योंकि ये मीठा होता है तो इसमें भी चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं, आप इस तरह से इसमें भी लगा दें, बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं लगेंगी और ये आपका स्मेल फ्री भी रहेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको मेरी कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल टिप्स मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।